नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काम की बातों के अंतर्गत आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस दुनिया में 80% लोग दुखी क्यों हैं। टॉपिक काम का है, इसलिए गौर से मेरी बातों को सुनिए। नंबर एक, यदि आप आलसी हैं तो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। नंबर दो, अगर आप बुद्धिमान हैं पर काम चोर हैं तो नीचे ही पड़े रहोगे। नंबर तीन, यदि आप में कम बुद्धि है लेकिन फिर भी आप अपने काम को लगन के साथ करते चले जा रहे हैं तो एक दिन तरक्की जरूर करोगे, ये मेरा वादा है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी आदतों के गुलाम हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव भविष्य निश्चित करता है। आपकी जैसी आदतें होंगी आपका भविष्य वैसा ही होगा। फिर भी कुछ साइकोलॉजिकल तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। लोगों को सलाह देना बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आपकी सलाह कोई नहीं मानने वाला, आपकी सलाह की कोई परवाह नहीं करने वाला। व्यक्ति वही करता है जो वो करना चाहता है, इसलिए सलाह देना तुरंत बंद कर दें। नंबर दो, हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, कितना भी करीबी हो कोई आपके हो, उससे आप अपेक्षा रखना बंद कर दीजिए। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां दुख स्वतः ही चला आता है। जीवन में माँ बाप से लेकर औलाद तक, पत्नी से लेकर बच्चों तक, किसी से भी कोई अपेक्षा ना रखें, कोई उम्मीद ना रखें। जहां उम्मीद जीवन में आई वहीं आपका दुख जीवन में आ जाएगा। अपेक्षाएं जीवन के लिए अभिशाप हैं। जितना आपके पास है उसमें खुश रहें, दूसरों से कोई उम्मीद ही ना रखें। अगर दूसरे आपके लिए कर दे तो ये सोने पे सुहागा है, लेकिन अपनी तरफ से आप किसी से कोई उम्मीद ना रखें, कोई अपेक्षा ना रखें कि ये मेरी औलाद है, इसके लिए मैंने ये किया है तो ये मुझे रोटी देगा या मुझे सहारा देगा। जहां जीवन में अपेक्षा आई, उम्मीद आई, समझ लीजिए आपके दुखों की शुरुआत हो गई है। तो इसलिए जीवन में कोई कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, अपेक्षा नहीं रखनी है। जीवन में सच का सहारा लीजिए। सच कड़वा होता है लेकिन अंततः जीतता है। झूठ की नींव पर अपने रिश्तों को कामयाब करने की कोशिश कभी ना करें। अपनों के प्रति ईमानदार रहें, अपनों में सच बोलें, अपनों के प्रति झूठ का कोई भी रिश्ता ना रखें। दोस्तों बातें बहुत अच्छी हैं, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।